अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? ठीक है, मैं हूं जहांगीर, मेरे साथ हैं जहाजेब, हमजा और आलमगीर, और आप देख रहे हैं हमारा चैनल पाकिस्तान रिएक्ट्स। तो कैसे हैं आप सब? ठीक हैं? हम सबको मतलब प्यार सलाम। तो कोरोना से डरना नहीं, लड़ना है। और ये आप देख रहे हैं कि काफी ज्यादा एहतियाती तदाबीर इस्तेमाल की जा रही है हर तरफ से। दो अपने आप से बचेंगे। हाँ बिल्कुल सही बात है भाई। मैंने मुझे पता है अब यहाँ पे घर में पहनने की जरूरत नहीं है इतनी। तो चलते हैं जी, सबसे पहले कुछ मीम्स हैं और कुछ टिकटॉक्स हैं, ठीक है, और कोरोना के मुतालिक तो देखते हैं। और सबसे पहले वाला टिकटॉक जो है, ये मीम जो है वो वैसे ही बड़ा शानदार है। मीम्स और टिकटॉक पर एक्शन दे रहे हैं हम। सही बात है। लेट्स स्टार्ट। समझ आएगी नहीं फायदा? आएगी आएगी। तो अरे आप आ गए मोदी के साथ। ओ ओ सुल्तान, अबे रुक सुल्तान, ए ए कुछ नहीं, तुम नहीं समझोगे। अरे डॉक्टर हूँ, तेरा बॉयफ्रेंड नहीं। भाई यार एक बात बता, ये करीना और कोरोना में क्या फर्क है? भाई करीना की चपेट में सैफ है और कोरोना की चपेट में कोई सैफ नहीं है। बेबी मैं आ गई, सरप्राइज। बेबी तो बड़ी हैवी है। कौन आवाज निकाल रहा है? खड़ा हो। सर ये इतने तेज कंटाप मारेंगे ना कि 3 घंटा बैठ के यहाँ पे रोएगा सुअर कहीं का। पापा, तेरा भैया, तेरा चाचा, तेरा दादा, तेरी नानी, तेरी जमुना नगर वाली मम्मी। समझा देना सबको, साबुन से हाथ धोए, सैनिटाइजर उपयोग करे, और क्या मास्क पहनिए, भीड़ भड़क्का से दूर रहे, ठीक है? का कोरोना फैल रहा है। क्या कर रहे? कुछ नहीं। विश्वास करती हूँ तुम पे, याद रखना मेरा विश्वास और तुम्हारी हड्डियाँ दोनों एक साथ में टूटेगी। अभी सही है, ठीक है जी, मास्क पहन। भाई तुम अपना लड्डू पकड़ो। क्यों यार, गणेश जी को पसंद नहीं आया? हेलो, हाँ शांता भाई। हाँ सर जी, बोलो क्या बात है? अच्छा मैं ये कर रख रख तेरे माँ की कोरोना वायरस साले। तेरा दिल कोई जब भी दुखाएगा, याद तुझको ये मेरा प्यार आएगा। ओ तेरा दिल कोई जब भी दुखाएगा, याद तुझको ये मेरा प्यार आएगा। ओ जब दुनिया में आप कौन है? मैं तुम्हारा पिता और हस्तिनापुर नरेश शांतनु का पुत्र। महाराज ये तो चमत्कार हो गया। प्रणाम पिताश्री। ये दुनिया हिला दी एक वायरस ने जिसका नाम कोरोना, हिंदुस्तानी कहता इससे डरो ना। और हिंदुस्तानी कहता इससे डरो ना। हाँ
हाथ में मिलाना पैर में मिलाना सामान लेके मुझे वो दे दे थिएटर बंद करने बाद अभी कोरोना बीमारी की टेंशन खत्म नहीं हुई कि उधर लोग कह रहे हैं कि उल्का पिंड दुगनी स्पीड से धरती की तरफ आ रहा है। हे भगवान अब क्या निपटा के मानोगे? अब पबजी खेलने के मूड में हो तो हमरा दादा इस गाड़ी को इसकी गली को खींच कर दिखा दो। चार लड़के जो है धक्का लगा रहे हैं। बाबा अभी बाइक चलाता है बेटा। एक मिनट को नहीं बोला तू स्कूल ही इस बंदे के ओ, क्या बात है साहेब, आज बड़े खुश लग रहे हो। अरे शांता तेरे साहब को आज वो हो गया है। क्या साहेब? अरे वो हो गया है वो। अरे बताओ ना साहेब। अरे वही शांता, तू समझ जाना। क्या कोरोना वायरस? तो गाइज ये थे जो ना कोरोना से मुतालिक कुछ बनाए गए मीम्स टिकटॉक और टिकटॉक्स लोगों की तरह से बनाया गया। लेकिन मुझे जो पहला पहला जो था ना वो बड़ा जबरदस्त लगा है, जैसे वो पीछे लगा हुआ था है मारने के लिए। तो पूरी दुनिया को तुम लोगों ने जो ना परेशान करके रख दिया है। और इसी तरह जो आगे जाके फिर काफी और भी आए हैं, लोग घबराए हुए हैं अचानक से है, बस एंजॉय करने के लिए लोगों ने बनाए हुए हैं। लेकिन मेरे नजदीक अभी दुनिया जो है ना बड़ी मुश्किल में फंसी हुई है और वक्त ही मुझे समझ नहीं आ रही कि ये बढ़ता जा रहा है बढ़ता जा रहा है, अभी कम होने का नाम नहीं ले रहा। अमेरिका में एस्टिमेट है कि 1,00,000 लोग इससे जान से हाथ धो बैठ सकते हैं। तो काफी मतलब के अफसोसनाक बात है ये। कल भी 1,000 से ज्यादा अमरीकी जो है ना अपनी जिंदगी हार चुके हैं एक दिन में। एक दिन में तो ये सबसे ज्यादा है अब तक का। एक दिन में 1,000 इकट्ठे आए हूँ अब तक का सबसे ज्यादा है। 900 तो वैसे इटली के भी आए थे और 800-900 स्पेन के भी आ रहे हैं। देखना ये थमता कब है। स्पेन आज लेते हैं स्पेन इटली क्रॉस कर जाएगा क्योंकि इटली ने थोड़ा सा कंट्रोल किया है। लेकिन मसला ये है कि ये दुनिया आप देखो ना कल टोटल पूरी दुनिया के अंदर जो है ना 76,000 से ज्यादा केसेस हैं और ये केसेस बढ़ रहे हैं, कम होने का नाम नहीं आ रहा, हर तरफ बढ़ना शुरू हो गया, बढ़ ही रहे हैं। नीचे कब आएगा मैं बस इसी उम्मीद में बैठा। इंडिया में बढ़ रहे हैं और पाकिस्तान में बढ़ रहे हैं। इंडिया भी बढ़ रहे हैं पाकिस्तान में बढ़ रहे हैं, पीछे पीछे आ रहा है, सिर्फ चाइना बचा हुआ है। 100 का फर्क है इंडिया पाकिस्तान में से। इंडिया में बढ़ना शुरू हो गए हैं, पाकिस्तान में भी बढ़ना शुरू हो गए हैं। ठीक है 200-250 डेली गिरफ्तार हो रहे हैं। इंडिया में कल 600 बढ़े हैं तो वही बता रहा हूँ, बड़ा इनके मुश्किल हो रही है। और लगता है कि इंडिया में एक टेस्ट हुए होंगे तो इसलिए आए हैं, पाकिस्तान में भी टेस्ट नहीं। मैंने वैसे ये सुना है कि जैसे पाकिस्तान में बता रहे हैं मेरे हिसाब से गवर्नमेंट को पता क्या करना चाहिए, हर इलाके का ना अलग अलग जोन बना रहे हैं। इस इलाके इस जोन का बना इधर नहीं जाता, उस जोन का बना इधर नहीं जाता। लेकिन जब खाना ही ना हो यार, जब जोन ये तो चल रहा है हमारे एरिया में तो यही चल रहा है। नहीं इस तरह चल रहा ना, आप यहाँ से आप सब्जी मंडी जा सकते हैं, आपने जाना हो आप जा सकते हैं जहाँ दिल करे आपका, लोअर के अंदर बेटा नहीं जा सकते। यही तो आपको पता है, पहले दिन हम गए थे जब वो मंडी गए थे सब्जी मंडी, वो जो मंडी वाले हैं सिर्फ वही जा सकते हैं ना, अब मंडी यहाँ तो नहीं ना लगा सकते। वही तो मैं कह रहा हूँ ना, लोग तो जा सकते हैं इस तरह तो भाई हर बंदा सब्जी मंडी के सब्जी लेने थोड़ी जाएगा सुबह सुबह 4 बजे उठ के 3 बजे उठ के, समझ आ रही है? तो वो जो जाएगा उससे भी रास्ते में 10 जगह उन्होंने पूछना है, हाँ भाई किधर जा रहे हो? ठीक है वो अप्रूवल होता है आपके पास, कार्ड बना होता है जिसके जरिए, हाँ जी ये वो कार्ड आप दिखाओगे कि मैं जो है ना दुकानदार हूँ मैं सामान लेने जा रहा हूँ, वही जा सकता है। ये नहीं है कि आप कहो कि मैं दुकानदार हूँ मैं जा रहा हूँ, वो ऐसे किसी को नहीं जाने देते। सामान वाला साथ ही जा रहा है, हाँ जी ये एक तरीका है, इस तरीके से हर जगह चला जा रहा है।
तो इनफैक्ट हमारे पास आज एक कस्टमर का फोन भी आया था, लेकिन वो अलग जोन में था, तो उसने कहा कि मेरे मुश्किल है जी। मैंने कहा कि हम आपकी तरफ आ नहीं सकेंगे। उन्होंने कहा चलो ठीक है। अगर मेरा कहना मतलब अलग अलग जोन हो गए ना, तो अगर किसी जोन में केस आया भी है तो उसी जोन में ही रहेगा, उसको वहीं पे अगर ऐसे यही काम कर रही है। आप थोड़ा पीछे रह गए हो, दुनिया यही कर रही है, आप थोड़ा पीछे रह गए हो। अब इस्लामाबाद के कई इलाके बंद कर दिए गए थे, अब उनको दोबारा खोला गया है। क्लियर हो गया, कुछ गांव थे उनके पहले टेस्ट कराए गए, सारा क्लियर कराया गया। 15 दिन के बाद जब वहाँ पे क्लियरेंस हुई तो फिर उनको खोला गया। मेरे साथ नहीं खोला चाहिए, दोबारा भी तो वहाँ पे आ सकते हैं। नहीं वो मतलब कि उन्होंने क्लियर तो कर लिया ना आगे, ना किसी को अंदर जाने दिया ना किसी को बाहर आने दिया। ठीक है, तो जब वहाँ पे क्लियर हो गया फिर उन्होंने कहा कि ठीक है अब, क्योंकि उन्होंने दुकानें ही बंद करा दी थी ना। इसी तरह रायमंड में हो रहा है, रायमंड के अंदर उन्होंने जो है ना एक हफ्ते के लिए दुकानें, दूध की दुकानें, हर चीज, फार्मेसी, मेडिकल स्टोर तक उन्होंने बंद करा दी है रायमंड के। हाँ जी, एक हफ्ते के लिए कोई भी नहीं खोलेगा। जैसे फार्मेसी की तो पेट खराब हो गया, बुखार हो गया, क्या करोगे? बस अल्लाह के, कोई चक्कर होगा, कोई तो रास्ता दिए होगा भैया, मैंने ना पता कॉल करनी और क्या होगा। सो गाइस, इसलिए आपसे कह रहे हैं कि कोशिश करें कि कोरोना से तो डरना नहीं है, लेकिन लड़ना भी है और अपने घर में रहना है। ठीक है, और घर में रहेंगे तो सेफ रहेंगे हम। आपने कभी सोचा था कि घर बैठ के भी लड़ना हो सकता है? आ गया वो दौर की घर, क्योंकि हमारी वैसे तो हमें पता है कि हमारी गवर्नमेंट कह रही है, क्योंकि अब जो है ना जो लोग हैं घरों में बैठे हैं तो रफ्तार कम हुई है बकौल उनके। ठीक है, जब से ये कोरोना वायरस आया ना, तो ओजोन लेयर है ना वो रिपेयर हो रही है, पता आपको? हाँ, और इसी तरह क्या कहते हैं, मुझे उम्मीद है कि इसी तरह की सूरत हाल अब इंडिया में भी होगी, क्योंकि जो तेजी से बढ़ने का रुझान था वो खत्म हो गया होगा। जो केसेस टेस्टिंग पे होंगे उन्हीं के रिजल्ट आ रहे हैं, और वो भी जो है ना रिजल्ट बहुत जल्द आके क्लियर हो जाएंगे। मेरे ख्याल में अमरीका ने गलती की थी, जो बताया भी है अमरीकी डोनाल्ड ट्रंप ने कहा था कि जब नज़ले जुकाम से हर साल कितने लाखों लोग मरते हैं, तो ये कोरोना से क्या होता है? इसी तरह हाँ, कुछ भी नहीं होगा। इसी तरह इटली, जर्मनी सब ने हल्के में लिया था, अब भारी बढ़ गया। ठीक है, तो इसलिए हम सब ने, क्योंकि हमारे पास थोड़ा लेट आया था, हमें मौका मिल गया। ओवरऑल अगर परसेंटेज देखें तो 20% लोग वो जान से हाथ धो रहे हैं। तो हमें जो है मौका, हमें जो है वो मौका मिल चुका है, और हमने टाइमली, इंडिया हो या पाकिस्तान हो, हम सब ने टाइमली इसको जो है ना रोकने की कोशिश की है, कंट्रोल करने की कोशिश की है, और ये सबसे बेहतर बात थी। और क्योंकि हमारे पास ज्यादा फॉरेन मतलब वो बहुत ज्यादा इस तरह काम है नहीं जितना अमेरिका और चाइना में था, लेकिन चाइना ने कंट्रोल किया, इसकी बात समझिए। सो गाइस, कीप वॉचिंग पाकिस्तान रिएक्ट्स।